हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे विश्व के विभिन्न जलधाराओं के बारे में। गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं क्या होती हैं और विश्व में कौन कौन सी प्रमुख जलधाराएं हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इन दोनों टॉपिक को लेकर। और यदि कोई प्रश्न पूछ दिया जाता है, यानी कि कोई ये दिशा पूछ दी जाती है कि ये जलधारा किस महासागर में ये बहती है, या फिर किस दिशा में चलती है, ठीक है, या फिर किस तट से होकर ये बहती है, तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन होती हैं। कई सारे स्टूडेंट इसे कर नहीं पाते हैं और इसे समझ भी नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे, मैप के द्वारा इसे आपको बताएंगे, ठीक है, किस किस महासागर में बहती हैं, किस दिशा, इनकी दिशा क्या होती है, उनमें गर्म जलधाराएँ कौन सी होती हैं और ठंडी जलधाराएँ कौन सी होती हैं, पूरी विस्तृत जानकारी इसकी लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि यदि आप हिस्ट्री की तैयारी करते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिंदी या अन्य सारे सब्जेक्ट, तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही यदि आप GS का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, मैथ का प्रैक्टिस सेट या फिर हिंदी का प्रैक्टिस सेट, तो भी आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट से आपको ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कृपया करके आप हमारा ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, जो भी जलधाराएं हैं, जो भी प्रमुख एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उन्हीं को हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जलधाराएं होती हैं, तो पूरे विश्व में जो भी जलधाराएं हैं उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम विश्व के प्रमुख जो महासागर हैं जिसमें ये जलधाराएं चलती हैं उसके बारे में आपको हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा ये विश्व है, हमारा ये पूरा विश्व है जिसमें हमारा ये हुआ, हमारा ये एशिया महाद्वीप, ये हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका बचा यूरोप, यूरोप महाद्वीप ये हुआ, ये साउथ अमेरिका का ये महाद्वीप है, मतलब कि दक्षिणी अमेरिका का, ये आपका उत्तरी अमेरिका में ये आपका आ जाता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके महाद्वीप हैं। इसके बाद हम महासागर के बारे में आपको बता देते हैं। महासागर फ्रेंड्स, इसमें कई हैं। यहाँ हमारा ये है हिंद महासागर, ये हमारा इंडिया देश है, ये हमारा हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर, यहाँ से ये पूरा ये कवर किया हुआ है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। इनकी सीमा कहाँ से है, तो ये आपको ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उधर उत्तरी अटलांटिक महासागर पड़ता है, और भूमध्य रेखा की साइड आपका पूरा ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर पड़ता है। इसी को लेकर ये प्रशांत महासागर आपका इधर ये पूरा क्षेत्र है। भूमध्य रेखा के ऊपर जाएंगे तो उत्तरी प्रशांत महासागर मिलेगा, और दक्षिण में आ जाएंगे तो दक्षिणी प्रशांत महासागर मिलेगा, ठीक है। सेम इधर भी है, इधर भी आपका प्रशांत महासागर है, उधर भी ये साइड पूरा आकर अगर ग्लोब से देखेंगे तो ये साइड पूरा आकर ये वाला इस साइड से ये आपका जुड़ता है, तो ये पूरा प्रशांत हुआ, ये भी आपका पूरा प्रशांत महासागर हुआ। तो इन्हीं भी हमारी सारी जलधाराएं आपकी बहती हैं। तो कैसे कैसे कौन से महासागर से कौन सी जलधाराएँ बहती हैं, कौन सी गर्म जलधाराएँ हैं, उनकी दिशा क्या होती है, उसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं को। अटलांटिक महासागर के, अटलांटिक महासागर हमने कहाँ बताया था आपको, ये है पूरा आपका अटलांटिक महासागर, ये है, तो इसी के ही सबसे पहले इन्हीं को हम देखेंगे, ठीक है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं को। फ्रेंड्स, आपको ये बताना चाहेंगे कि आप इन सारी पॉइंट को नोटबुक में अवश्य नोट करते चलें, ताकि आपको दोबारा ये कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं को पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को हम देखेंगे, और कृपया करके आप उन्हें नोटबुक में अवश्य नोट कर लें। यह है आपका पूरा उत्तरी अटलांटिक महासागर, और ये पूरा दक्षिणी अटलांटिक महासागर को हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, और ये आपका पूरा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये आपका है। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, ऊपर कौन सी हेडिंग थी, तो गर्म जलधारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर की जो है गर्म जलधारा के बारे में पढ़ना है, तो हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले ये कहती फ्रेंड्स, इस जलधारा में ब्राज़ील
की जलधारा, ब्राज़ील जलधारा एक होती है, ब्राज़ील जलधारा कहाँ पड़ती है, तो ब्राज़ील देश के तट पर पड़ती है। तो ब्राज़ील देश आपका कहाँ है, ये है आपका ब्राज़ील देश, और यहीं आपका होती है ब्राज़ील की जलधारा, जो ये साउथ की तरफ इसकी दिशा होती है, ठीक है। तो ब्राज़ील की जलधारा अगर आपके एग्ज़ाम्स में आए तो आप ये याद रखें कि ब्राज़ील के ही तट पर ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ही ये दक्षिण की साइड ये जाती है। ये होगी आपकी ब्राज़ील की जलधारा, ठीक है, आप इसे नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, दूसरी जलधारा है गल्फ़ स्ट्रीम जलधारा। इसे आपने पढ़ा होगा, कई सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, गल्फ़ स्ट्रीम जलधारा, जिसे हम फ्लोरिडा जलधारा भी कहते हैं। इसे हम लिख देते हैं, ये हुआ आपका गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जिसे हम और क्या कहते हैं, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जलधारा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ये कहाँ बहती है, तो फ्रेंड्स ये उत्तरी अमेरिका के तट से बहती है, उत्तरी अमेरिका का तट आपका ये हुआ, तो उत्तरी अमेरिका के तट से ये आपकी नॉर्थ की तरफ जाती है, उत्तर की तरफ, यहाँ आपकी गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। फ्रेंड्स ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा भी क्या है, गर्म जलधारा है, हमने पहले ही हेडिंग डाला था गर्म जलधारा, अभी हम केवल ये अटलांटिक महासागर के गर्म जलधाराओं के बारे में ही पढ़ रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, ये गल्फ स्ट्रीम तो हो गया, इसके बाद एक आता है उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा, मतलब भूमध्य रेखा ये जो आपकी है, भूमध्य रेखा के उत्तर में जो धाराएं बहती हैं ये वेस्ट साइड में, मतलब कि पश्चिम की साइड में यहाँ से जो बहती हैं उसे हम उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा कहते हैं, तो ये आपका ये हुआ। फिर एक आता है दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, ये भी दक्षिण से बहती है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में बहती है और ये वेस्ट की साइड में ही बहती है, इसे हम दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा कहते हैं अटलांटिक महासागर में, ठीक है। फिर एक आती है विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा, विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा होती है जो कि इनके ठीक विपरीत बहती है, मतलब कि आपकी ईस्ट साइड में, और ये कहाँ बहती है, ये फ्रेंड्स यहाँ नहीं बहती है, यहाँ तो आपकी उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा और यहाँ आपकी दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, ये जो बहती है विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा, इसे हम गिनी तट की धारा भी कहते हैं, और ये कहाँ बहती है, गिनी तट पर, गिनी तट आपका अफ्रीका का ये क्षेत्र होता है और यहीं आपका ये पूर्व की साइड में बहता है, विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा या फिर गिनी की जलधारा भी इसे कहते हैं, तो इसे याद रखिएगा, ये विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा आपका ये है, दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा ये है और उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा आपका ये हो गया, ठीक है। तो यदि एग्जाम्स में पूछा जाए कि गिनी की धारा, गिनी तट की जो धारा है ये कहाँ बहती है, तो आपकी ये अटलांटिक महासागर में ही बहती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला इसमें क्या है, तो केनारी की धारा, किनारे की एक धारा है अटलांटिक महासागर में ही बहती है और ये भी एक गर्म जलधारा है, ये कहाँ बहती है, तो ये आपका इस साइड में बहती है, इधर ये आपका मैड्रिड, ये जो लिस्बन वगैरह इसको लेके, और अफ्रीका का ये जो मोरक्को साइड है इस तट में, ये आपकी ऐसे बहती है, ये होगी दक्षिण साइड में बहती है, इसे हम दक्षिण साइड इसे कह सकते हैं। तो ये हुई किनारी की धारा, कौन सी है, किनारी की धारा, ये किनारी की धारा है। चलिए अब पढ़ते हैं, एक है आपका नार्वे की धारा, कौन सी, नार्वे की धारा, नार्वे की धारा है, ये कहाँ बहती है, तो ये आपका नार्वे साइड से ये ईस्ट की तरफ बहती है, ये यहाँ बहती है नार्वे साइड में, ठीक है, ये उत्तर की तरफ ऐसे बहती है, ये है नार्वे की धारा, कौन सी धारा है, ये नार्वे की धारा ये है आपकी। चलिए अब बढ़ते हैं हम इसके आगे, फ्रेंड्स ये जो थी ये आपकी गर्म जल धारा थी, इम्पोर्टेंट जो भी थी, तो ठीक है, तो ये आपकी ठंडी गर्म जल धारा थी। अब ठंडी जल धारा के बारे में पढ़ते हैं, अटलांटिक महासागर में ठंडी जल धाराएँ कौन सी है। फ्रेंड्स आप इसे टेंशन ना लें, धीरे धीरे आप वीडियो देखते जाएं और लास्ट में हम सम्मिलित रूप से सारी जल धाराओं को देखेंगे, तब आपको धीरे धीरे सारी ये जो है जलधाराएं समझ में आ जाएंगी, आप वीडियो केवल लास्ट तक ये देखते रहें। चलिए अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधारा है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स एक है आपकी
अंटार्कटिका की जलधारा, अंटार्कटिका जो साउथ में आपका होता है, ठीक है, साउथ रीजन में, यहाँ आपकी बहती है अंटार्कटिका की जलधारा, जिसकी जो इसकी जो डायरेक्शन होती है ये ईस्ट साइड में बहती है, पूर्व की तरफ बहती है। कौन सी जलधारा है ये? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की जलधारा, ये आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है। चलिए इसके बाद आती है आपकी लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की धारा कहाँ बहती है? तो ये आपका यहाँ बहती है इस साइड में, ये दक्षिण साइड में, ये है आपकी कौन सी? लेब्राडोर, लेब्राडोर की जलधारा है, ये आपकी ठंडी जलधारा है। चलिए अब आपकी एक है वेनेजुएला की जलधारा। वेनेजुएला की जलधारा कहाँ बहती है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आपकी बहती है, और अफ्रीकन तट से होकर ये ईस्ट साइड, नॉर्थ साइड में, उत्तर साइड में बहती है। कौन सी है आपकी ये? तो ये है वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला की जलधारा है, ठीक है। ये आपकी उत्तर साइड में ये बहती है, ये अफ्रीकन की जो तट है यहाँ से होते हुए। चलिए अब आते हैं, एक है आपकी फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड की जलधारा ये कहाँ बहती है? तो ये आपका, ये दक्षिणी अमेरिका का जो तट है यहाँ से ऊपर साइड में बहती है, ये है आपकी फॉकलैंड, फॉकलैंड की ये आपकी जलधारा है, ये बहती है, ठीक है। चलिए ये हुआ आपकी, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जो जलधाराएं हैं ये आपकी हुई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका प्रशांत महासागर की जलधाराएं। प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा तो हमने फ्रेंड्स पढ़ लिया, चलिए अब पढ़ते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। सबसे पहले प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर जो है, आपको हमने बताया था कि ये इधर इधर का साइड आपका, ये इधर और इधर, मतलब गोल घुमाएंगे तो ये आपका आके राउंड में आ जाएगा। इसको हमने आगे आपको समझाने की कोशिश की है, इसे आप देखिए यहाँ जो बनता है, ठीक है, ये पूरा आपका प्रशांत महासागर आपका ये बन गया। यहाँ आपका इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वगैरह है, इधर जापान है, ये आपका रूस, ये अलास्का, इधर उत्तरी अमेरिका, ये सब साइड है, इस साइड में आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, देखिए करके जो भी है इसमें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले गर्म जलधारा को पढ़ना है हमको, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा को। तो सबसे पहले उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा इसमें एक है। उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा कौन सी है? तो नाम से स्पष्ट है, ये भूमध्य रेखा है और इसके उत्तर में आपका उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा बहती है, और इसकी दिशा क्या होती है? पश्चिम साइड में ये होती है, ये होती है उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा, और दक्षिणी भूमध्य जल रेखीय धारा ये नीचे बहेगी, ये इस साइड में, ठीक है, वेस्ट साइड में ही, और विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा इसकी दिशा वही होगी, चाहे किसी भी महासागर में बहे, इन तीनों की दिशा हमेशा एक ही होगी। उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा और दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा की दिशा ये आपका वेस्ट साइड में होगा, और विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा की दिशा क्या होगी? ये ईस्ट साइड में होगी। चलिए अब है आपका एक अलास्का जलधारा। अलास्का जलधारा ये कहाँ बहेगी? तो अलास्का जलधारा ये अलास्का की जो तट है यहाँ से होती हुई नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ बहती है। कौन सी जलधारा है ये? अलास्का, अलास्का की जलधारा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका क्यूरोसीवो जलधारा। आगे आपका कौन सी जलधारा है? क्यूरो, क्यूरोसीवो जलधारा, नाम से ही स्पष्ट है, ये एक जापानी नाम है, क्यूरोसीवो जलधारा है। इसे हम काली धारा भी कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, काली धारा, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। काली धारा किसे कहते हैं? क्यूरोसीवो जलधारा को कहते हैं। और ये कहाँ बहती है? ये आपकी जापान साइड में, ये है आपका जापान, जापान साइड में ही ये ईस्ट साइड में ये बहती है, ये है आपकी क्यूरोसीवो जलधारा या काली जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की एक जलधारा है, गर्म जलधारा है ये भी प्रशांत महासागर की, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसकी पूर्वी साइड में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये है, जिसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, इसकी पूर्वी साइड में आपकी बहती है, ये वेस्ट साइड में ये आपकी बहती है, ये ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? तो प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधारा है फ्रेंड्स, एक है आपकी ओवा सीओ जलधारा। कौन सी है? ओवा सीओ। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? क्यूरो सीओ, वो था आपकी गर्म जलधारा, और ओवा सीओ ये आपकी ठंडी जलधारा है। इसकी दिशा ये भी आपका जापान साइड में ही बहती है, ठीक है। और इसका एक और नाम है, जैसे क्यूरो सीओ जलधारा का नाम था काली धारा, तो ओवा सीओ जलधारा का नाम क्या है? ओखोत्सुक जलधारा। कौन सा है? ओखो टस्क जलधारा इसका नाम है। क्यों इसका नाम है? क्योंकि इसके पास ही ओखो टस्क सागर स्थित है। हम बताते हैं इसको, ये कहाँ है, देखिए ये है आपका ओखो टस्क सागर, ठीक है। तो इसी तट से सटे हुए यहाँ आपका ओया सीयू जलधारा बहती है, या ओखो टस्क जलधारा बहती है साउथ साइड में। ओवा सीयू यहाँ थी, ये ईस्ट साइड में बहती थी जापान में, ठीक है। और ओवा सीयू ये नीचे बहती है दक्षिण के साइड में, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। अगला है कैलिफोर्नियो जलधारा। कौन सा है? कैलिफोर्नियो, कैलिफोर्नियो, कैलिफोर्नियो जलधारा है। इसे एक और नाम से जानते हैं, क्यूराइल जलधारा। क्यूराइल जलधारा ये आपकी कैलिफोर्निया की तट से आपके सटे हुए बहती है, मतलब कि ये साइड में उत्तरी महासागर में ही यहीं आपका कैलिफोर्निया है इस साइड में, और यहीं इसी के तट पर आपकी ये साउथ साइड में कैलिफोर्निया की जलधारा ये बहती है। चलिए ठीक है, प्रशांत महासागर की ये भी ठंडी जलधारा है, और प्रशांत महासागर की एक और ठंडी जलधारा है। कौन सी जलधारा है? तो पेरू जलधारा। पेरू जलधारा इसे एक और नाम से जानते हैं, हम्बोल्ट जलधारा। हम्बोल्ट जलधारा ठीक है, ये कहाँ बहती है? तो दक्षिणी अमेरिका में ये बहती है। दक्षिणी अमेरिका का जो पेरू तट है, यहाँ आपका पेरू बताते हैं, यहाँ आपका पेरू तट है, तो ये इसी साइड में दक्षिण की साइड में ये आपकी बहती है, ठीक है। ये हुआ आपकी पेरू या हम्बोल्ट जलधारा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं और क्या आता है। इसके बाद है आपका हिंद महासागर की गर्म जलधाराएँ। हिंद महासागर में जो गर्म जलधाराएँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स, ये है आपका हिंद महासागर, हमारा ये भारत है, भारत के ही नीचे आपका ये हिंद महासागर बसा हुआ है, और इसी के आसपास जो गर्म जलधाराएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आपकी एक आती है आगुलहास जलधारा। आगुलहास जलधारा ये आपका जो अफ्रीका साइड है, इधर से ये आपकी साउथ की साइड में बहती है आगुलहास जलधारा। आगुलहास जलधारा फ्रेंड्स इसे कहते हैं, ये आपकी साउथ साइड में बहती है अफ्रीका की तट से सटे हुए। चलिए हिंद महासागर में एक और गर्म जलधारा है आपकी दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा। दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा ठीक है, ये आपका भूमध्य रेखा आपकी ये है, और इसी के दक्षिण में ये पूर्व साइड में आपकी दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा फ्रेंड्स ये बहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का ये लेसन, जो भी प्रमुख जलधाराएं थी इसमें हमने आपको बताया काफ़ी अच्छे तरीके से। आशा करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। ये था आपका गर्म जलधारा। एक बार इन सारे पॉइंट को हम ऐसे ही रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या? ब्राज़ील जलधारा। ब्राज़ील जलधारा कहाँ बहती थी? तो ये ब्राज़ील का जो एरिया है, ये इसी का जो तट है, ये आपका ब्राज़ील जलधारा इधर दक्षिण की तरफ इधर बहती थी, ठीक है। ये आपकी कौन सी जलधारा थी? अटलांटिक महासागर की ये गर्म जलधारा थी। फिर गल्फ स्ट्रीम की जलधारा बहती थी, ये उत्तरी अमेरिका का ये इधर गल्फ स्ट्रीम जलधारा यहाँ बहता था, ठीक है। फिर इसके बाद आपका उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा, हमने आपको बताया उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा और दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा। ये भूमध्य रेखा जो है इसके उत्तर में उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा ऐसे बहेगा, दक्षिणी भूमध्य रेखा जलधारा आपका ऐसे बहेगा, और अटलांटिक महासागर में आपकी एक और गिनी की धारा बहती है, उसे हम विपरीत भूमध्य रेखीय जलधारा कहते हैं। ये गिनी की तट
से सटे हुए आपकी ये बहती थी, ठीक है। फिर आपका किनारे की जलधारा, हमने आपको ये बताया, ये है आपका किनारे की जलधारा। फिर नार्वे की जलधारा, नार्वे के पास ये जलधारा बहती थी, उसे हम कहते थे, ठीक है। तो ये थी आपकी अटलांटिक महासागर की बृहत जलधारा। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा के बारे में हमने आपको बताया था। अंटार्कटिका की जलधारा एक होती थी जो अंटार्कटिका के पास ऐसे बहती थी पूर्व साइड में। फिर लेब्राडोर की जलधारा थी, ये इधर बहती थी। फिर वेनेजुएला की जलधारा, ये अफ्रीका के साइड में नॉर्थ की तरफ जाती थी। फिर फॉकलैंड की जलधारा, इस साइड में आपकी ये फॉकलैंड की जलधारा नॉर्थ साइड में ये आपकी बहती थी, ठीक है। हमने आपको इसमें आपको बताया था। फिर प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में हमने आपको बताया था। उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा हमने आपको बताया था, ये प्रशांत महासागर में ये पूर्व की तरफ जाती थी। दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा भूमध्य रेखा के दक्षिण में ही और ये वेस्ट साइड में जाती थी। और भूमध्य रेखीय विपरीत जलधारा जो थी ये आपके वेस्ट साइड में बहती थी। फिर अलास्का जलधारा, ये अलास्का के ही साइड में आपकी ये दक्षिण की तरफ बहती थी। फिर क्यूरोसी वो जलधारा होती थी आपकी जापान साइड में ही, ये नॉर्थ की तरफ बहती थी, ठीक है, जिसे हम काली जलधारा भी कहते थे। और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा थी जो ऑस्ट्रेलिया के साइड में आपकी ये दक्षिण की तरफ ये बहती थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी जलधाराएं हमने आपको बताया था, आशा करते हैं आपने उन सबको नोट कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं, तो उनकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न के लिए कमेंट अवश्य करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।